क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छा, आप कैसा माहौल पाया आपने हॉस्पिटल का? फ्रेंडली फ्रेंडली है सारा है? ये स्टाफ, बेडशीट्स वगैरह सब ठीक टाइम पे सब चेंज हो रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, चलें मैं आपको वैसे बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर वैस है, मैं आज आपका फिजिशियन हूँ और मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, ऑब्वियसली मैं आपसे कुछ सवालात तो भी करूँगा, लेकिन उससे जी पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, जी बिल्कुल आपको हॉस्पिटल का माहौल बेहतर लगा है, आपको टाइम पे दवाई मिल रही है, बिल्कुल ठीक है, और सफाई वगैरह तो टाइम पे हो रही है जी, मैं और टाइम पे सेटिस्फाइड हूँ। डॉक्टर्स आपको देख रहे हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलें, अब लेट्स कम टू द पॉइंट। एक्चुअली मैंने आपसे कुछ सवालात करने हैं जी जिससे मैं ये समझता हूँ कि आपके इलाज में बेहतरी आएगी और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसकी तशखीस में हमें हेल्प मिलेगी। अगर कोई टेस्ट मिसिंग है तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से टेस्ट अभी और भी करने चाहिए ताकि ठीक हम उस तशखीस तक पहुंच सकें जो प्रॉब्लम आपको है। ठीक मेरा नाम डॉक्टर वैस इब्राहिम बाजवा है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे इंट्रोडक्शन लूंगा आपका। डॉक्टर वैस इब्राहिम बाजवा है और मैं यहाँ पे मेडिसिन में फिजिशियन हूँ एंड मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाज़त है? जी जी बिल्कुल करें। ठीक है, मुखातिब करने के लिए मैं आपका नाम जानना मेरा चाहूँगा। नाम मोहम्मद अहमद है, मोहम्मद अहमद है। आपकी क्या एज है? मेरी एज 25 ईयर्स है। ठीक है, और आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैरिड हैं? नहीं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ बहावलपुर से। बहावलपुर से आप आए हैं, और आप किधर से एडमिट हुए थे? ओपीडी से एडमिट हुए थे या जी जी इमरजेंसी से? ओपीडी से, ओपीडी वो से डॉक्टर एडमिट साहब हुए थे। के डॉक्टर साहब, किस स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास आप आए थे? एलर्जी के। एलर्जी की स्पेशलिटी के पास आप आए थे, इसका मतलब है वो कोई मेडिकल फिजिशियन होंगे। जी, ठीक है, तो किस दिन आप एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल? एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कितने दिन मैं पहले? 2 दिन पहले ही आया दो हूँ। दिन पहले आप एडमिट हुए हैं, और किस टाइम पे? शाम का टाइम था, दिन का टाइम था, दिन का किस टाइम? टाइम था, दिन दिन के 11 बजे थे दिन के जब। 11 बजे आप एडमिट हुए हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ इस बारे में कि आप हॉस्पिटल तो आए, लेकिन ऐसी क्या बात हुई, ऐसा क्या सिम्टम था, ऐसा क्या प्रॉब्लम था, क्या महसूस कर रहे थे आप जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ा? ये मुझे अक्सर हो जाता है जब भी मौसम बदलता है, अब चूँकि सर्दियाँ आई हैं तो मेरे नाक का इशू है, तो इसकी वजह से फिर मुझे बुखार आ जाता है, सफोकेशन होती है, सांस लेने में भी मसला होता है, ठीक है तो ये अक्सर औकात होता रहता है मुझे। ठीक है, तो असल में आपको प्रॉब्लम ये होता है कि आपको थोड़ी सफोकेशन फील होती है और उसकी वजह से कुछ सांस में मसला आता है और इसके साथ साथ हाँ, आपके नाक में भी दर्द होता है। नाक के दर्द की वजह से ये प्रोसेस शुरू होता ठीक है, तो इससे मतलब है पहले नाक के है। दर्द शुरू होता है और उसके बाद फिर आपको सांस में भी मसला आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होता है। हाँ तो ये जी, किसी स्पेसिफिक मौसम में है या नहीं, ये कभी? स्पेसिफिक, वैसे तो मौसम बदले तो होता ही है, ठीक है वो तो लाजमी है, लेकिन ठीक है उसके इन बिटवीन भी होता रहता ठीक है, इन बिटवीन भी होता रहता है। तो फिर बेसिकली जो आपके आने का मकसद था वो ये था कि आपको नाक में दर्द महसूस है। हो रहा हाँ था जी, बिल्कुल और उसकी वजह से फिर बाद में आपको सांस लेने में भी तकलीफ थी। बिल्कुल चलें जी, ठीक है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये बताता चलूं कि अब आपने ये देख लिया कि जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है पेशेंट की, वो तो एक पेन भी है, साथ ब्रेथलेसनेस भी है। ठीक है, अगर इस ब्रेथलेसनेस को यहाँ पे आप डिसनिया भी कह दें तो दैट इज मोर कंसाइज एंड मोर प्रिसाइज। ठीक है, सो हम ब्रेथलेसनेस से बेहतर यहाँ पे अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में ये लिखेंगे कि पेशेंट को यहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है एंड पेन है। कहाँ पे? पेन इन नोज। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं और ये बताएं कि आपको उसके साथ हमने ड्यूरेशन लिखनी है। ड्यूरेशन में हम ये सवाल करेंगे तो ये आपको कितने दिन पहले ये मसला हुआ था, मतलब आप एडमिट हुए हैं कल, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम आपको कब? उससे पिछली रात को हुआ उससे था। पिछली रात। तो हम ये लिखेंगे कि पेशेंट को, क्योंकि आज हम, कल ये एडमिट हुए, आज हम उनसे हिस्ट्री ले रहे हैं, तो 2 दिन इस बात को गुजर गए हैं, तो हम लिखेंगे फॉर लास्ट 2 डेज। ठीक है, दोनों ही सिम्टम्स में हम लिख देंगे फॉर लास्ट 2 डेज। अब हम आते हैं आगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे, तो मैं आगे के सवाल करता हूँ। चलें जी, ठीक है, आपको तो ये मसला था, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे ये बता दें कि जो ये दर्द था, ये जो जो भी आपको मसला शुरू हुआ, ये 2 दिन पहले मसला हुआ, ये दर्द आपको कैसा था? बहुत सवियर था, मॉडरेट था या माइल्ड था? बर्दाश्त के काबिल था या बर्दाश्त से ये बाहर था? पहले बर्दाश्त के काबिल था ठीक कुछ है। दिन, यानी कि शुरू का 1-2 घंटे जब मुझे फील हुआ कि मुझे होना शुरू हुआ है, तो जब आधी रात को बहुत ज़्यादा ये हो ठीक गया। है, और आप देखें, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए आपको ये बता रहा हूं, आपको ये इस तरह से लिख सकते हैं कि इनको मॉडरेट टू सवियर पेन था, विच वॉज प्रोग्रेसिव। ठीक है, विच वॉज प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो आपको ये कैसा महसूस होता था, ये जो पेन था, ये कोई
जो सुइयां चुभ रही हैं, कैसा थ्रॉबिंग है, क्या क्या महसूस कर बिल्कुल रहे थे? ऐसे ही था कि जैसे स्टैबिंग होती है, कोई लगता है कोई अंदर। लगता है, ठीक है, तो आप देखें, आपको पेशेंट खुद बता रहे हैं कि वो स्टैबिंग पेन था, ठीक है। और आप मुझे ये साथ का ये बता दें कि ये दर्द सिर्फ महदूद था नाक तक या कहीं और भी नहीं, ज्यादा फिर था? ये गला भी खराब हो जाता है और वो भी बहुत ज्यादा वो पेन तो होता है। बिल्कुल ठीक है, वो तो अच्छा, जो इसके साथ गले का भी मसला हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ दर्द के हवाले से ये दर्द पूछ रहा नाक था, में ही है। नाक में ही रहता है, तो फिर ये आप ये लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स आप ये लिख सकते हैं कि ये लोकलाइज्ड पेन था, ठीक है। आपने देखा ना इस बात को, अगर आप ये देखें ना, ये रेफरल है ना ही ये रेडिएशन है इसमें, तो आप इसको सिंपली ये लिख सकते हैं कि लोकलाइज्ड पेन था जस्ट इन द रीजन ऑफ नोज, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे ये बता दें कि स्पेशल टाइम पे ये होता है या दिन के किसी भी वक्त में हो नहीं नहीं जाता है, इसका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है। ठीक है। ये कभी कभी डस्ट अंदर जाती है, जैसे बाइक पे गए हैं, बाहर आए हैं, तो वो डस्ट की वजह से भी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये देख लेंगे, हमें पेशेंट ने ये बताया है कि डस्ट की वजह से होता है, क्या मतलब हुआ इस बात का? इस मतलब ये हुआ कि इनके जो एग्जेजरेटिंग फैक्टर है वो डस्ट है। ऐसे ही जैसे ही आपको ये पता चला आप फौरन लिख लें कि इनके जो एग्जेजरेटिंग फैक्टर है वो डस्ट है। अच्छा जी, और इसके अलावा आपने क्या, इसके अलावा आप ये बताएं कि कोई ऐसा वक्त कि जिसमें ये, तो आपने तो ये बताया कि कोई स्पेशल टाइम ऑफ अक्रेंस इसकी कोई नहीं थी, ये किसी भी टाइम आपको हो जाता है, लेकिन क्या ये दिन में बार बार होता है, किसी स्पेशल टाइम में ये बार बार हो रहा हो, या ये एक ही एपिसोड है और मुसलसल चलती रहती है? नहीं, ऐसा ये तो नहीं है इट कम्स एंड गोज नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब होता है तो ये कंटिन्यूअसली साथ ही रहता है। कंटिन्यूअसली पेन होता है, ठीक है जी। और मुझे बताएं कि किस, अभी आपने मुझे बताया कि मिट्टी की वजह से जब आप इनहेल करते हैं तो ये बढ़ जाता है, कोई और फैक्टर जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है, सर्दी की वजह से, कुछ खाने की वजह से, किसी स्पेशल टेम्परेचर की वजह से, कोई का एग्जर्शन की वजह से, किसी वजह से? ये कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होती है कभी कभी, जो है आपको नाक के ऊपर जो है चढ़ जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से एग्जेजरेट हाँ होता है, उसकी वजह से बढ़ बिल्कुल, जाता हाँ है ये, जी। ठीक है। और कोई ऐसी चीज जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं? स्टीम से, स्टीम स्टीम लेना। से, ठीक है, इनहेल करने से, हाँ स्टीम जी, इनहेल करने से, हाँ इनहेलेशन जी, से आप बेहतर, इसका मतलब है आपको नेबुलाइजर, नेबुलाइज भी किया जाए तो हाँ उससे आप जी। बेहतर महसूस करेंगे, ठीक है। और मुझे बताएं कि किसी चीज से आप, आपने भी मुझे एक सिम्टम बताया कि नाक की वजह से आपका गला भी खराब हो जाता है, इसका मतलब है जो आपको इसके साथ साथ आपके गले को भी मसला होता, कोई और मसला जो नाक के बाद, सर में दर्द, आंखों से अब पानी, वही कोई नहीं, और वो तो चीज? मैंने आपको बताया कि बुखार भी आ जाता है मुझे उसकी वजह ठीक से, है, ठीक फीवर हो है। जाता अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि बुखार इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, लेकिन आप ये देखें कि बुखार की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं आए, दैट्स व्हाई फीवर हमारा प्रेजेंटिंग कंप्लेन नहीं है, फीवर हमारा एसोसिएटेड सिम्टम है, गले का खराब होना हमारा एसोसिएटेड सिम्टम है। और आप मुझे ये बता दें कि इससे, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं स्टूडेंट्स, आप ये बता दें कि आप इसके पहले जो है आपने कभी पहले ये प्रॉब्लम्स कितनी, कब से हैं, कब से चलता आ रहा ये। है? मेरा ख्याल है बाय बर्थ ही मेरे साथ आया ये अच्छा, प्रॉब्लम। कंजेनिटली है, और हाँ जी, उसके, इससे पहले भी आप हॉस्पिटल एडमिट होते रहे हैं? इससे पहले एडमिट तो नहीं हुआ, लेकिन अच्छा, मेडिसिन लेके चला जाता था। लेके चलते इस रहे हैं, दफ़ा मैंने कहा कि इसका, कंप्लीट इलाज होना हाँ चाहिए, ठीक है जी। और ये मतलब कंजेनिटल, तब से ही ये प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है और इसी सेवेरिटी से चल रहा है? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, इसमें ठीक है, फ़र्क तो नहीं अच्छा आया। किया कि आप हॉस्पिटल आ गए, और अब हॉस्पिटल आ गए हैं तो अभी से ये होगा कि बेहतरी हो जाएगी, इसके साथ साथ सर्जन भी देख लेंगे कि आपको कहीं डिफ्लेक्टेड नोज का कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कहीं आपके कोई नोज की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई बोनी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो अच्छा हुआ आप हॉस्पिटल आए, अब सारे अपना फॉलोअप कर लेंगे और आपको एक बेहतर सोल्यूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरे सारे साले सवालों को जवाब दिए, और इससे इंशाल्लाह हम देखेंगे, मैं अब आपका रिव्यू करूंगा आपकी सारी मेडिसिन्स का, मैं देखूंगा कि आपको मेडिसिन्स टाइम पे और सारी सही मिल रही हैं, और ये जो आपने मुझे बात बताई है ये मैं अब अपने डॉक्टर साहब से भी जाके डिस्कशन करूंगा इस बारे में, एंड विल लेट यू नो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।